सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं देवोत्तर अग्रवाल। दोस्तों मेरे पास अभी कुरियर में आए हैं 3 आईफोन 7 और हम तीनों आईफोन 7 को रिपेयर करने वाले हैं। बट आपके साथ एक रिपेयर स्टडी जो केस स्टडी होती है, रिपेयर की केस स्टडी शेयर मैं आपके साथ करूँगा और जिससे आपको आईफोन बनाने में दिक्कत ना जाए। तो ये वीडियो खास तौर पर उन भाइयों के लिए है जो आईफोन के बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बेसिक, और जो आईफोन जो एंड्रॉयड से आईफोन पे जाना चाहते हैं या जो आईफोन पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो फ़ोन आपके पास आते हैं वो जनरली फुल शॉट, हाफ शॉट, इस तरह से भी आ सकते हैं। तो हमारे पास तीनों केस हैं। अभी मेरे पास 3 आईफोन हैं और मैं अपने आने वाले समय में इसके बहुत सारे आपके वीडियो लेके आऊँगा, जैसे इस पर बेस बैंड पे, इसकी फ्रिक्वेंसीयों पर, इसके पावर के आउटपुट पर, तो बहुत सारी चीज़ें। अभी पावर का आउटपुट मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ये इसलिए वीडियो पूरा देख लेना। अभी ये हमारे पास में जो 3 आईफोन हैं तो इस तरीके से आया, जिसमें से एक आईफोन पे मिली एम्पियर की शॉर्टिंग है और जिस पे कहीं पे भी रोजिंग लगाने पे कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल आओ देखते हैं कैसे हम इस शॉर्टिंग को निकालें ताकि आप अपने शॉप में बैठकर इन आईफोन पर अच्छा पैसा कमा सको और ये नॉलेज के साथ आगे बढ़ सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहला आईफोन यहाँ दिखाऊँ तो ये दिखाना चाहूँगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं पीसीबी को, ठीक है। जब ओके होगा तो डिस्प्ले के साथ लगाएंगे। ऑब्वियस है कि डैड है तो डैड ही आया है, ठीक है। तो यहाँ फोकस ज़्यादा मत करना, मतलब थोड़ा दूर से, हाँ ऐसे, हाँ। तो सबसे पहले हम इस आईफोन की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा आई बूट का सनशाइन का है, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे देखो 38-39, तो ये एलईडी की वजह से, यहाँ पर ये जो एलईडी की वजह से ये ले रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें ये केबल लगाता हूँ, ये देखो, तो ये फुल शॉट बता रहा है और वो तो स्टेबल है और उसको स्टेबल करने का काम इसी का है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है कि वहाँ तक वोल्टेज जाने नहीं दे रहा है, ये बता रहा है कि ये फुल शॉट हो चुका है, ठीक है। अपन सबसे पहले अब इसके GR लेते हैं। तो कैसे लेंगे अपन इसके GR, नोटिस करो, अपन ने डायोड मोड पर डालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा एक बार पीछे होना और डायोड मोड पर डालेंगे और यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। इतना दिखाओ ये स्क्रीन और ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर के, ये जो बैटरी कनेक्टर है हमारा, उसके GR लेंगे, ठीक है। तो आप GR देखिएगा, तो एक GR हमारा जो हमारा रिवर्स में हम चेक करते हैं, वो रिवर्स में हमारा जो GR होता है वो GR, और एक फॉरवर्ड में हम GR चेक करते हैं, ठीक है। तो एक GR हमारा होना चाहिए 700 के अंदर और एक होना चाहिए 1000 के ऊपर। सो सबसे पहले मैं ब्लैक लगा के चेक कर रहा हूँ, तो ये 400 बता रहा है जो कि बिल्कुल ओके है। इसका मतलब ये है कि आपका जो PP VBAT है, ठीक है, और VBAT VCC कह सकते हैं, या PP VBAT या VAT VCC, तो ये अपना ओके है। अब अपन VDD को चेक करेंगे कि VDD अपना ओके है कि नहीं ओके है। तो यहाँ पर देखो, तो ये VDD अपना शॉर्ट है और VDD में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 400 आ रहा है और पलटाने पर भी यहाँ पर रीडिंग 400 आ रही है। इसका मतलब जो आपका VDD है या जो आपका बेसिकली VDD के ऊपर भी कोई एक वोल्टेज हो सकता है, वो भी शॉर्ट है। तो इसी वोल्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, एक अच्छी थ्योरी एक अच्छा प्रैक्टिकल साबित कर सकती है। अगर थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रैक्टिकल भी, अगर थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा नहीं होगा, ये बात आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं। देखो आईफोन के अंदर जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उससे हमारा जो वोल्टेज निकलता है, ठीक है। अब अगर हम आईफोन के अंदर देखो, यहाँ पर दिखाइए, हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये हमारा जो बैटरी है यहाँ पर, ये देखिए इधर, ये ठीक है, ये देखो बैटरी कनेक्टर है हमारा यहाँ पर आ गया। इस बैटरी कनेक्टर में हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं साहब, PP VBAT VCC, तो ये हमारा PP VBAT और VCC, ये वोल्टेज हमारा बैटरी का
वो वोल्टेज होता है जिसको हम चार वोल्टेज जो हम बैटरी लगा कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे चार्जिंग का आउटपुट भी आप बोल सकते हैं, जब चार्जिंग लगाते हैं तो यहीं पे हमारे वोल्टेज बनते हैं। ये वोल्टेज हमारा बेसिकली एक मॉसपैट के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगा तो एक मॉसपैट भी इसके बीच में लगा होता है, दिखाता हूँ मैं। देखिए इधर आइए, यहाँ पर अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के बाद ये देखो एक मॉसपैट लगा है, और ये मॉसपैट पी चैनल का मॉसपैट है। ये मॉसपैट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसकी चार्जिंग आईसी के पास, ये देखिए एक 9 वोल्ट का, ठीक है, एक मॉसपैट है जिसमें बेसिकली ड्रेन पर आपका बैड VCC और सोर्स पर आपका VDD मेन। ये देखो एक आपका मॉसपैट लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मॉसपैट है ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका बैट VCC जा रहा है जो कि सोर्स से VDD मेन जुड़ा हुआ है 4 वोल्टेज, ठीक है। और इसका जो गेट है वो गेट इसकी चार्जिंग IC के अंदर जा रहा है, ठीक है, इनेबल के लिए। तो ये मॉसपैट है, ये प्रोटेक्शन करता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मॉसपैट तो ख़राब नहीं है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, VDD मेन से, क्योंकि एक यहाँ पर कैपेसिटर आपका बैड VCC का है, एक कैपेसिटर आपका यहाँ पर VDD मेन का है। अब ये VDD मेन यहाँ के बाद और सेम इसी के साथ ये क्योंकि VDD मेन भी ना इसमें चार्जिंग IC के अंदर जा रही है, ऑब्वियस है, VDD मेन चार्जिंग IC से ही निकल रही है, और इसके बाद ये जा रही है आपकी मेन पावर IC के अंदर, ठीक है। देखो ये है क्योंकि ये पूरा फुल एम्पियर ले रहा है, हम बात कर रहे हैं फुल शॉर्टिंग की। अगर हम हाफ शॉर्टिंग की बात करते, फुल शॉर्टिंग में आपको ये 3 सप्लाइयाँ चेक करनी है। मैं इसलिए ये सब समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि सर हम इसी लाइन पे क्यों चेक करें और भी कहीं क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम हाफ शॉर्टिंग अगर हम चेक करते तो हम 3 वोल्टेज की लाइन को सबसे पहले मेजर करते, जिधर भी 3-3 वोल्टेज की लाइन जा रही है ना, ये 3 वोल्टेज की लाइन। अब ये भी बेसिकली हमारा 1 एम्पियर के ऊपर जा सकता है, बट ये हम हाफ शॉर्टिंग में बात कर रहे हैं। अभी हम फुल शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा VDD मेन, अगर हमारा VDD मेन 1000 के ऊपर रीडिंग देता तो हम 3 वोल्टेज पर डायरेक्ट जाते। अभी हमारा क्या है, दोनों पर 400 आ रहा है, ये रीज़न है, इसलिए हम इसको फुल शॉर्टिंग मान रहे हैं। तो एक हमारा PP बैट VCC, एक हमारा क्या होना है बताओ, एक हमारा होगा VDD मेन और एक हमारा होगा BDD बूस्ट। तो ये 3 सप्लाई आईफोन के अंदर जो आपको तकरीबन 4 4 और ये कुछ 3.4 मतलब लगभग 4 ही रहती है, 3.4 से अबव रहती हैं। तो ये आपने 3 वोल्टेज देखना है। अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी आईफोन के अंदर बैटरी कनेक्टर पर अगर आपको रीडिंग कैसी आ रही है, एक और रीडिंग आ रही है आपको 400 और दूसरी और रीडिंग भी 400 600 800 ऐसी आ रही है, तो आप समझ लेना कि इन तीनों में से एक लाइन शॉर्ट है। अगर आपकी ये ओके है तो ये समझ लेना ये ओके है, और अगर ये रीडिंग ऐसी आ रही है तो ये समझ, इन दोनों में से कोई लाइन शॉर्ट है। अगर आपकी मान लो यहाँ पर बीप आ रही है, डायरेक्ट बीप आ रहा है, मतलब 0.00 आ रहा है आपको रीडिंग, तो ये समझ लेना कि ये शॉर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल ये डायरेक्ट जजमेंट है, ये थ्योरी से होता है ना। तो थ्योरी से हमने ये निकाला कि अगर हमारे को दोनों रीडिंग आ रही है और दूसरी ओर हमारे को 1000 से कम रीडिंग है तो हमें अभी 3 वोल्टेज की लाइन पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो सप्लाई बनता है वो हमारे को चेक करना है। तो हम VDD मेन और VDD बूस्ट सप्लाई चेक करेंगे, और अगर हमारा दोनों शॉर्ट रहेगा तो हम VDD बूस्ट को भी चेक करेंगे। VDD बूस्ट के आगे शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए सर, मैं आपको यहाँ से बताना, पहले मैं आपको आइए चेक करवाता हूँ, आइए देखो अब यहाँ पर दिखाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ से ये चार्जिंग IC है आपकी, ठीक है, ये देखिए, और ये चार्जिंग IC में ये VDD मेन हमारा निकल रहा है, और VDD मेन यहाँ से निकल कर ये देखिए ये सब जगह VDD मेन जा रहा है, ठीक है। सो हमें एक VDD मेन देखना है और एक हमें VDD बूस्ट देखना है, जो यहाँ पर एक VDD बूस्ट IC लगी है, ये देखिए ये लगी है बूस्ट, ठीक है। तो हमें इसके ये कैपेसिटर पे देखना है, ये आपके ये कैपेसिटर पे देख रहे।
तो हमको देखना, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता, अगर वीडीडी बूस्ट वाला शॉर्ट नहीं है तो वीडीडी मेन में शॉर्टिंग है, और अगर मेन और बूट दोनों शॉर्ट है तो समझ लो कि प्रॉब्लम आईसी में है या वीडीडी बूस्ट भी आपका शॉर्ट हो चुका है। चलो देखिए, तो इधर दिखाइए, अब हम क्या करते हैं, नीचे तो देखो इस फ़ोन के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है ना, और नीचे इस फ़ोन के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें भी फ़िलहाल यहाँ पे खोलते भी नहीं है, और हम ऊपर ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आईसी है, ये आईसी हमारी वीडीडी बूस्ट आईसी है। इस आईसी के पास ये जो ये वाले कैपेसिटर है, ये वाले कैपेसिटर, ये वीडीडी मेन है, और ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये वीडीडी बूस्ट है। तो ये पहले बनता है, फिर उसके बाद ये आईसी इनेबल होती है, फिर ये बनता है। तो अपन पहले ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट है, देखो रीडिंग शॉर्ट वाली आ रही है, लो जी आर नहीं है, देखो। अब अपन ये चेक करेंगे, तो ये भी शॉर्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग यही है और हमें रोजिंग या किसी भी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर रोजिंग लगा लेते तो मैं मिल जाती शॉर्टिंग। चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर मैं रोजिंग लगाऊँ तो क्या होगा, नोटिस करो। सपोज़ मैंने इतने पर रोजिंग लगा लिया, ये दिख रहा है, और मैं नीचे भी खोलता हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा दिखा सकूँ। और ये हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी, और ये हमारी क्या है, वही मॉसफेट पी चैनल। देखो, तो मैंने फिर से लगा लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखो, हमने यहाँ पर हमारा जैसे कि जो सस्पेक्ट आईसी है हमारी, हमने उस पर और हमने इन आईसीओ पे भी रोजिन डाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट बी बैट पर पहले टच करते हैं, ठीक है। अब नोटिस करो, अब यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो कि किस तरह से रोजिंग यहाँ पर मेल्ट हो गया है। बट दोस्तों, ऐसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो फॉल्ट है, हमें इस आईसी को बाहर निकालना होगा, और हमें पहले वीडीडी और जो हमारा वीडीडी और वीडीडी बूस्ट है, वीडीडी मेन और वीडीडी बूस्ट, हमें उसको सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस आईसी को बाहर निकालेंगे और वीडीडी बूस्ट और वीडीडी मेन को सेपरेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन शॉर्ट है, वीडीडी बूस्ट या वीडीडी मेन या आईसी। तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से तो आईसी ठीक ठाक ही दिख रही है, देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग एरिया क्या है। अगर इन कैपेसिटर पे बीप आती है तो हमारा वीडीडी मेन शॉर्ट है, और इन कैपेसिटर पे बीप आती है तो वीडीडी बूस्ट, और दोनों पर बीप आती है तो अभी भी मतलब दोनों लाइन शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है, क्योंकि आईसी हमने उतार दी है। अब इस आईसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग दूंगा मैं, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अभी आईसी उतार दी है तो ये आईसी की रिक्वायरमेंट है, पर हम इसको बाईपास कर सकते हैं। बट अभी इसकी डिटेलिंग मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को फिर से चालू करेंगे, आप देखो कि हमने डायोड मोड पे रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो देखो, अभी हमारा जो वीडीडी मेन है वो रीडिंग दे रहा है, और हमारा वीडीडी बूस्ट भी रीडिंग दे रहा है, ये देखो ना, हमारा ये शॉर्ट है और ना हमारा ये शॉर्ट है। एक्चुअल में जो शॉर्ट है हमारी, वो है हमारा वीडीडी बूस्ट आईसी। आइए थोड़ा सा वीडीडी बूस्ट आईसी के बारे में हम बात करते हैं। तो
दोस्तों ये जो VDD बूस्ट IC है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपका VDD मेन एंटर कर रहा है 4 वोल्टेज के साथ, और उसके साथ एक कॉइल के साथ ये स्विचिंग कर रहा है। ये कॉइल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम इस IC को थोड़ा सा खोल के आपको इस आईसी के अंदर एक EN आ रहा है जो PMC आ रहा है, जिसको हम PM टू बूस्ट जिसको हम PMU टू बूस्ट EN कह रहे हैं, और इसके अंदर दो सप्लाई I2C की आ रही है, SD और SCL, क्योंकि iPhone के अंदर I2C काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो I2C आ रही है वो I2C 0 आपको देखने को मिलेगी, I2C SDA और I2C SCL। फिर इसके साथ इस लाइन पे एक और सप्लाई है जो LCM की सप्लाई है, जिस पर लिखा हुआ है LCM टू मैनी बी सिंक्रनाइज SYNC। ये आपको ये सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये सप्लाई। और इसका बाद सिर्फ और सिर्फ एक सप्लाई है, और जो सप्लाई आपकी वी आउट सप्लाई है, जिस पर आगे जाकर ये BDD बूस्ट बन जाएगी, जो मैक्सिमम 3.4 वोल्टेज से ऊपर होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे फ़ोन के अंदर पहले देखो स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमने देखा कि हमारे फ़ोन के अंदर दोनों ओर 400 रीडिंग आ रही है। पहला 400 में बता रहा है BBAT ओके है, दूसरा 400 हमें ये बता रहा है कि VDD मेन या बूस्ट इन दोनों में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर 1000 के ऊपर रीडिंग होती तो हम क्या करते, हम 3 वोल्टेज की सप्लाई में जाते, जैसे कि मैंने बोला जिधर भी 3 वोल्टेज की सप्लाई है उधर सारी सप्लाइयाँ सारे कैपेसिटर हम चेक करते, अब 3 वोल्टेज की सप्लाई पर हम दिमाग लगाते। बट क्योंकि ये नहीं था, और फिर हमने चेक किया इसके बाद और हमने पाया कि VDD मेन और VDD बूस्ट में ये IC हमारी, जिस IC का नाम हमारा VDD बूस्ट है, ये IC हमारी गर्म हो रही है, और इसके कैपेसिटर भी हमारे शॉर्ट हो रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने इस IC को निकाला। अब हमारा ये दोनों कैपेसिटर की रीडिंग ओके है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जम्पर मार देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये वोल्टेज 3.4 हो सकते हैं, बट इसके रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 4 भी हम दे सकते हैं। सो हम इसको बाईपास करेंगे, मतलब एक्चुअल में आप अपने फ़ोन के अंदर जो बूस्ट IC है उस IC को आप बाईपास कर सकते हो। तो आपने 4 वोल्टेज से ये VDD मेन से VDD बूस्ट को जम्पर मारना है। आइए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो हम इस कैपेसिटर पे जम्पर मार देते हैं। ये देखिए इस कैपेसिटर पे, ठीक है, अब हम ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा जूम करके, हालांकि वो जम्पर शायद ही दिख रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ से देखा, ये देखो। अब हम इस पर, अब यहाँ दिखाइए, अब हम इस पर पहले देखते हैं कि हमारा ये लगाकर, ये पहले क्या कर रहा था, ये शॉर्ट कर रहा था, अब देखिए अब शॉर्टिंग चली गई है, जो हमारा एम्पियर दिख रहा है वो हमारा iBoot का एम्पियर है। अब इसमें हम बाकायदा डिस्प्ले भी लगाएंगे और फ़ोन के अंदर पूरा इसको डालते हैं। देखो ये मैंने है ना एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आपको बताया है, आप इस IC को बदलिए अगर आपके पास है तो। अब मेरे पास तो बहुत है तो मैं बदल लूँगा, पर मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत से भाइयों के पास में iPhone के बोर्ड नहीं होते ना, वो पहली बार स्टार्टिंग करते हैं, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं और iPhone के बोर्ड नहीं है फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो ये करके, तो
देखो वही फ़ोन है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि फ़ोन चेंज कर दिया होगा, ये सारे काम छोटे मोटे टेक्नीशियन करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा दो, ये यहाँ दिखा दो, दिख रहा है ये? ठीक है, अब यहाँ दिखाइए, ये देखिए यही फ़ोन है जहाँ पर ये हमने ये आईसी उठाकर ये जंपर लगाया है। ठीक है, अब हम इस फ़ोन को आपको बताते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग जो है ना बहुत टेक्निकली और आपको थ्योरिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन की है, और यही ताकि आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। ऐसे नहीं कि सीधे रोजिंग उठाया कि भैया ये कैपेसिटर शॉर्ट है हटा दो, तो ऐसा नहीं। ठीक है, अब बैटरी हमने बुलवाई नहीं थी, कोई सीन नहीं था, अब हम इसको ऑन करेंगे। और देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये देखिए रीडिंग ले रहा है, देखिए और डिस्प्ले दिखाएंगे, ये देखिए डिस्प्ले आ गया लोगों का, ऊपर से दिखाओ। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर ऑन होने देते हैं, रीडिंग दिखा दो ऊपर एक बार, नहीं दिखा दो, हाँ वेरी गुड, अब डिस्प्ले दिखा दो। तो ये देखिए ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली तरीके से ऑन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए तो ये डिस्प्ले की वजह से हो रहा है ऐसा, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कौन सा फ़ोन है जिसका हमने बाईपास किया था। ये देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये देखिए, एक मिनट सर, ये देखिए ये हमने इसका बाईपास किया था। ठीक है, तो कैसा लगा आपको नॉलेज मुझे बताएगा जरूर, और ये नॉलेज से आप भी अब काम कर सकते हैं। आपको पता चल गया है आपके फ़ोन के अंदर तीन मुख्य चार वोल्टेज होते हैं, एक आपका पीपी बैड वीसीसी, और एक आपका वीडीडी मेन, और एक आपका वीडीडी बूस्ट। आपके आईफोन में कोई जादू नहीं है, एंड्रॉयड वाले जितना अच्छे से सीख सकते हैं उतना कभी भी जो नॉन एंड्रॉयड वाले होते हैं जो आईफोन सीखने चले आते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर सीख सकते हैं, क्योंकि नॉन जिनको कुछ भी नहीं आता ना और वो आईफोन करने सीख जाते हैं मतलब सीखने चले जाते हैं, आईफोन सीखने चले जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो क्या होते हैं वो ज़िंदगी वो थ्योरी में फंस जाते हैं, वो सिर्फ सीपीयू करेंगे स्वैपिंग करेंगे और वो ये सोचेंगे वो थ्योरी उनको कभी समझ में नहीं आती। पर जो एंड्रॉयड करके जाता है उसका आईफोन लेवल एक नंबर होता है और वो बंदा टीचर बनता है आगे जाकर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच ये नॉलेज के लिए, और अगर आप घर बैठकर आईफोन सीखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये में, तो आप अभी मेरा आईफोन का कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर 500+ वीडियो है, वीडियो कोर्स होने वाला है जिसमें आईफोन 6 के टोटल 35 चैप्टर मतलब सब कुछ है उसमें। ठीक है, जो आपको चाहिए आपकी नीड है, स्कीमैटिक का नॉलेज, आपके DSO का नॉलेज, आपका NAND प्रोग्रामिंग, आपके CPU कैसे निकालना, पावर कैसे निकालना, क्लीनिंग, ये सब कुछ नॉलेज है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर, और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर लिख सकते हैं आईफोन एसर टेलीकॉम और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।
इनसे बात करना चाहूंगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिला। मैं कभी एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीट नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हो। ओके। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बढ़िया एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से